हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही टेस्टी एंड यूनिक सी रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं केक। और अब आप सोच रहे होंगे केक में ऐसी क्या खास बात है। फ्रेंड्स, आज जो ये हम केक बनाने जा रहे हैं, इसे हम बनाएंगे विदाउट अवन, विदाउट एग एंड सबसे खास बात, विदाउट केक टिन। अगर आपके पास केक मोल्ड नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से कटोरी में ये सुंदर सी ज़ेब्रा केक बनाकर तैयार, एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बनकर तैयार होता है। और अगर आपको इस बात की टेंशन है, यार केक खाने का मन कर रहा है, बाहर जा नहीं सकते हैं, हमारे पास केक मोल्ड नहीं है, अवन नहीं है, तो आप बिना किसी टेंशन के कटोरी के अंदर ये फ्राई पैन में एगलेस केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही टेस्टी कप केक की रेसिपी। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है एक फ्राई पैन, बहुत न्यू फ्राई पैन लेने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें हम डाल रहे हैं 2 कप जितना नमक। नमक डालने से जो बेकिंग है वो बहुत ही बढ़िया होती है। और उसके अंदर आप रख दें स्टैंड, इस तरह से अगर आपके पास स्टैंड है या फिर ये वाला स्टैंड है, आप इसके अंदर रख दें। और केक बनाने से पहले आप इसे ढककर प्री हीट करने के लिए रख दें। प्री हीटिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि केक बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। और यहाँ पर एक बोल में हम डाल रहे हैं 1/2 कप जितना कर्ड, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दही हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो, नॉर्मल कर्ड आप यूज़ कीजिए। और 1/4 कप जितना यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं कुकिंग ऑयल, कोई भी ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ सरसों का तेल या कोई भी फ्रेग्रेंस वाला ऑयल इस्तेमाल ना करें। और इसमें हम डाल रहे हैं 1 कप जितनी पिसी हुई चीनी, इसे मिक्सर जार में डालकर आप पीस लें। और बीटर की हेल्प से आप इसे करीब 4 मिनट के लिए बीट कर लें, या फिर आप अपने हैंड से किसी स्पून की हेल्प से भी इसे बीट कर सकते हैं, या हैंड विस्कर जो आता है उससे भी आप बीट कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 4 to 5 मिनट हमने इसे बीट कर लिया है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं वनीला एसेंस, कोई भी फ्लेवर का एसेंस आप यूज़ कर सकते हैं, आपके पास रोज़ एसेंस है आप वो यूज़ कर सकते हैं। और इसे डालकर आप करीब 1/2-1 मिनट के लिए और बीट कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे बीट कर लिया है। और अब यहाँ हमने रख दिया एक स्ट्रेनर, और इसमें हम डालेंगे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इसमें हमने डाला है 1 कप जितना मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लावर, और साथ ही हम डाल रहे हैं 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जो होता है। और इसे डालकर आप स्ट्रेन कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही परफेक्ट एंड स्पॉन्जी केक बनकर तैयार होता है। और इसे आप कट एंड फोल्ड मेथड से एक बार फोल्ड कर लें, आपको बहुत ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इस तरह से कट एंड फोल्ड करना है, इसे कंबाइन करना है। ये देखिए, इस तरह से आप इसे फोल्ड कर लें। ये देखिए, हमने इसे फोल्ड कर लिया है। कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक लग रही है, इसलिए हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा दूध, 1 बड़ा चम्मच मिल्क का यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं। आप मिल्क की जगह पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मिल्क है उसे डालने से केक में स्पॉन्जीनेस ऑफ टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और दूध जो आप इसमें डालें वो नीड के अकॉर्डिंग डालें, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको इतना ही दूध डालना है, थोड़ा थोड़ा करके। कंसिस्टेंसी आप देखिए इस तरह से होनी चाहिए। ये देखिए 1 बड़ा चम्मच दूध डालने से ही इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो गई है। इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब यहाँ पर हमने 2 बोल ले लिए हैं, और इनमें हम ये जो हमारा केक बैटर है इसे डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट्स में, इक्वली 2 पार्ट्स में आप इसे डिवाइड कर दें। और ये जो 1 पार्ट है उसमें हम डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच जितना कोका पाउडर, क्योंकि हम आज ये कटोरी में छोटे छोटे से ज़ेब्रा कपकेक बनाने जा रहे हैं। और इसे डालकर आप अच्छे से मिक्स कर लें। और अगर आप कोका पाउडर का फ्लेवर लाइक नहीं करते हैं तो आप सिंपल केक भी बनाकर तैयार कर सकते हो। यहाँ पर हमने थोड़ा सा 1 बड़े चम्मच जितना मिल्क डाला है, ताकि जो हमारा ये बैटर है कोका पाउडर डालने के बाद ड्राई ना हो, मतलब जो दोनों हमने बैटर डिवाइड किए थे उनकी जो कंसिस्टेंसी है वो इक्वली रहनी चाहिए। और ये देखिए, हमने इसे मिक्स कर लिया है। कोका पाउडर डाल के आप 1 बड़ा चम्मच जितना दूध ज़रूर डालें कंसिस्टेंसी को बराबर करने के लिए। और ये देखिए,
ये हमारे दो बैटर्स रेडी हो चुके हैं। यहाँ हमने लिए हैं 4 कटोरी, इस साइज़ की आप कटोरी लीजिए और इसे ऑयल से या बटर से ग्रीस कर दीजिए। फ्रेंड्स, आपके पास अगर केक मोल्ड नहीं है, कप केक बनाने के लिए आपके पास कोई यूटेंसिल नहीं है, तो आप इस तरह से कटोरी के अंदर केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। और यहाँ उसके ऊपर थोड़ा सा हमने डाल दिया है मैदा। और अगर आपके पास बटर पेपर भी नहीं है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका केक बिल्कुल नहीं स्टिकी होगा। और ये देखिए, सारी कटोरी के अंदर हमने ग्रीस कर लिया और मैदा थोड़ा सा छिड़क दिया है। और यहाँ हम एक चम्मच की हेल्प से वाइट वाला जो हमारा बैटर का पोर्शन है, एक चम्मच वो डालें और एक चम्मच इसके ऊपर आप चॉकलेट वाला जो बैटर है वो डाल दें। इस तरह से अगर आप ये केक का बैटर डालेंगे तो जो उसका डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार होगा और बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ईजी है। और ये देखिए, इस तरह से आप लेयर्स बना लें वाइट एंड चॉकलेट बैटर की। पूरा ऊपर तक आपको फिल नहीं करना है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा आप फिल करें ताकि जो केक है वो फूलने के बाद बाहर ना गिरे। और इस तरह से टूथपिक की हेल्प से आप इस तरह से डिज़ाइन बना दें ताकि जो केक है वो बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और सारे कटोरी के अंदर जो आपने बैटर डाला है उसमें इस तरह से आप डिज़ाइन बना दें, ये देखिए। और यहाँ पर हमारा जो फ्राई पैन हमने रखा था प्री हीट के लिए, वो प्री हीट हो चुका है और अब हम इसमें रख देंगे हमारी ये कटोरी केक बनाने के लिए, ये देखिए इस तरह से। और अब आपको क्या करना है, इसे ढककर शुरुआत के स्टार्टिंग के जो 4 मिनट्स हैं वो आपको मीडियम फ्लेम पर पकाना है और 5 मिनट्स के बाद आप गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और ढक के आपको ये बनाना है। फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी ये कपकेक्स बनकर तैयार होंगे। ये देखिए, करीब 30 मिनट्स लगेंगे आपको इसे बेक करने में। बीच में एक बार आप चेक कर लें, ये देखिए बहुत ही बढ़िया से फ्लफ़ी और ख़ूबसूरत से ज़ेब्रा कपकेक बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। और अब आप टूथपिक की हेल्प से एक बार चेक कर लें कि स्टिकी तो नहीं है। ये देखिए, बहुत ही मामूली सा एक स्पॉट सा इस पे नज़र आ रहा है, लेकिन ये प्रॉपर बेक हो चुके हैं। गैस की फ्लेम को आप ऑफ़ कर दें और इसे करीब 3 मिनट या 4 मिनट के लिए इसी तरह फ्राई पैन में रहने दें। और उसके बाद आप ये कटोरी को बाहर निकाल के ठंडा कर लें और ठंडा होने के बाद ही आप इसे डीमोल्ड करें, वरना ये कप केक्स जो हैं वो आपके टूट सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये देखिए ठंडे हो चुके हैं। और इसे हल्का सा इस तरह से टैप कीजिए और ये ऑटोमेटिकली आपके, ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी स्पॉन्जी और ख़ूबसूरत से कपकेक बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, स्पॉन्ज आप देख सकते हैं, फ्लफीनेस आप देख सकते हैं, विदाउट ओवन, विदाउट एग, इवन विदाउट मोल्ड, बहुत ही बढ़िया ये केक बनकर तैयार हुए हैं। और अगर आपको ये टेंशन है कि कटोरी कहीं से बर्न हो गई है, तो ये देखिए कहीं से भी ये जली नहीं है, ना ही इसमें स्टिकीनेस है, क्योंकि हमने इसमें कोई बटर पेपर का यूज़ भी नहीं किया है। तो विदाउट मोल्ड और विदाउट बटर पेपर आप ये घर पर केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। दिखने में आप देख सकते हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं, स्पॉन्ज कितना बढ़िया आया है। तो अगर आपके पास ओवन नहीं है, आप एग नहीं खाते हैं और बटर पेपर नहीं है, आप बाहर नहीं जा सकते ख़रीदने के लिए, केक टिंग नहीं है, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही जल्दी घर पर फ्राई पैन के अंदर ये केक बनाकर तैयार कर सकते हैं और सारे केक को आप इस तरह से डीमोल्ड कर लें। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, आज हमने बिना अंडे का, बिना ओवन के, बिना केक टिन के, विदाउट बटर पेपर, ये कितनी जल्दी और कितना खूबसूरत केक बनाकर तैयार किया। और ये देखिए, मैं आपको एक कट करके बताती हूँ, आप देख सकते हैं डिज़ाइन, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है, फ्लफीनेस, स्पॉन्जीनेस आप देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ है। आप एक बार ये रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।